फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इंडियन एयरलाइंस में स्वागत है। आपको बता दें कि जो लोग भारत से यूएई काम करने के लिए गए थे और उन लोगों का अब वीजा एक्सपायर हो चुका है, यानी कि उनका वीजा 1 मार्च या फिर उसके बाद से एक्सपायर हो चुका है और इस कारण से भी वो लोग भारत आना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारी भारत सरकार ने भारत में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है और जिस कारण से ये सभी लोग अभी भारत में नहीं आ सकते। तो ऐसे हालात में इन लोगों के लिए वहाँ की यूएई की सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जिसकी जानकारी हम आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और यूएई और बाकी की खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट खबरें आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि यूएई की सरकार वहाँ पर फंसे हुए भारतीय जिनका भी वीजा एक्सपायर हो चुका है, उन लोगों के लिए वीजा की वैलिडिटी दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है, यानी कि वो लोग दिसंबर 2020 तक बिना किसी डर के यूएई में रह सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी भी तरीके का आइडेंटिटी कार्ड है, यदि वो भी 1 मार्च या उससे पहले एक्सपायर हो चुका है, तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की भी आईडी कार्ड दिसंबर महीने तक वैलिड रहेगी। इन सब के अलावा भारत की एम्बेसी जो कि यूएई में है, वह वहाँ पर रह रहे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे कि यूएई में फंसे लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्याएँ भारत की एम्बेसी को बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ट्विटर पर इंडिया इन यूएई के अकाउंट को भी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए जरूरी खबरें आती रहती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इंडिया इन यूएई के ट्विटर को जरूर फॉलो करेंगे और आप अपना ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी खबर के साथ।